सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे स्रोतों जी आयां जी लैके हाजिर हैं जी। पंजाब सूबे दपहर वेले वड्डियां खबरां दा स्पैशल बुलेटिन इस वीडियो शुरू तो लैके आखिर तक जरूर सुनना तां जो तुहाडे कोलों कोई भी जानकारी मिस ना होवे। ते नाल ही खबर नूं शुरू करन तों पहलां सारे स्रोत वीरां नूं रिक्वेस्ट है, जिन्हां ने अजे तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। तो नाल ही तुहानूं साडे द्वारा दित्ती गई जानकारी वधिया लगती है तो वीडियो लाइक जरूर करना। तुहाडा एक एक लाइक ही साडे लई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो शुरुआत करते हैं पहली वड्डी खबर की। जम्मू कश्मीर च अतवादी हमला, 3 जवान शहीद। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले च सोमवार को अतवादी हमले च केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 2 जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। तो अधिकारिक सूत्रों ने दसाया कि करीरी पट्टन नेड़े सवेरे अतवादियों ने CRPF ते पुलिस के सांझे दल ते अन्नेवा गोलीबारी की। हमले च CRPF के 2 जवान ते एक APS गंभीर रूप में जख्मी हो गए हैं। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, सर्दियों दोहरी महामारी की मार चलेगी दुनिया। पूरी दुनिया में कोरोना की लाग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इतों तक कि न्यूजीलैंड वर्गे देशों में भी इसकी वापसी हो गई है। जिस स्थिति में वैज्ञानिकों ने आने वाली सर्दियों में दोहरी महामारी वर्गी स्थिति की चेतावनी दिती है। जनतक सेहत महारा अनुसार सर्दियां बुरी खबर लेके आ रही हैं। COVID-19 के नाल मौसमी फ्लू की तबाही मचाने की तैयारी है। वैज्ञानिक स्थिति को जुड़वा कह रहे हैं। तो उसके नाल ही गोल्ड की कीमतों में वड्डी गिरावट, एक हफ्ते 4000 रुपए तक डिग्गा सोना। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के कारण भारत में भी पिछले हफ्ते तो सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली है। गोल्ड शुक्रवार को 1.5% की गिरावट के नाल 52,170 रुपए प्रति 10 ग्राम उत्ते बंद होया। तो उसके बाद ही एक बार फिर सवालों के घेरे च आई अमृतसर केंद्रीय जेल, नशे की ओवरडोज ने कारण नौजवान की हुई मौत। अमृतसर की केंद्रीय जेल अपनी सुरक्षा संबंधी हमेशा सुर्खियों में रहती है, जिसकी ताज़ा मिसाल उस वेले सामने आई जो जिला संगरूर के 29 साल नौजवान मनदीप सिंह सोनी की कल सवेरे नशे की ओवरडोज ने मौत हो गई। पर अजे तक परिवारक मैंबरों ना तो मृतक देह बारे कुछ दसया जा रहा है, तो ना ही कोई देह जेल अधिकारी पुलिस अधिकारी प्रशासन अधिकारी उन्होंने मिल रहा है। परिवार मैंबर वालों सरकार को अपील की गई है कि उन्होंने बेटे मनदीप सिंह सोनी की मृतक देह दी जाए तो पोस्टमार्टम करवा के बनती कार्रवाई की जाए। फिर वधे पेट्रोल की कीमत, डीजल च नहीं होया कोई वाधा। देश में लगातार दूजे दिन पेट्रोल दीमत में वाधा किया गया है। सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे प्रति लीटर का वाधा किया गया। इस ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो हालांकि डीजल की कीमत में कोई वाधा नहीं होया है। वोडाफोन आइडिया एयरटेल प्लैन महंगे हो गए। एयरटेल वोडाफोन आइडिया के पोस्ट के प्रीपेड प्लान रिपोर्ट च दावा 10% वधेगा ट्रैफिक। ये खबर आ रही है जी, गाहक वाली खबर है कि दोवें कंपनियां अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान 10% तक महंगे कर सकदियां हन। इस बारे सितंबर तक फैसला हो सकता है। इस दे नाल ही एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार दोवें दूरसंचार ऑपरेटर चोणवे डाटा ते क्लिक प्लान दियां कीमतों में वाधे ते विचार कर रहे हैं। तो उस दे नाल ही पराली सड़न के मुद्दे से पंजाब ते हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट च रख्या पक्ष। पंजाब ते हरियाणा सरकार ने पराली सड़न की रोकथाम लई सुप्रीम कोर्ट के पैनल नूं अपनी कार्य योजना सौंप दी है। तो दोहां राज्यां विच पराली नूं सड़न कारण दिल्ली सने इन दोवां राज्यां विच धुआं छा जांदा। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस बार सख्ती दे रोह विच है। तो उस दे नाल ही पंजाब च कोरोना दा भड़थू, कांग्रेसी मंत्री तो बाद हुण अकाली विधायक होया शिकार। पंजाब च इस समय कोरोना ने पूरी तरह भड़थू पाया होया, तो सियासी लोग भी इस बीमारी की लपेट में आ रहे हैं। तो बीते दिन पंजाब की माल मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और विधायक सभा डिप्टी कमिश्नर स्पीकर जायब सिंह भट्टी की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने तो बाद हुण अकाली विधायक भी इस भयानक महामारी का शिकार हो गया है। सरहदां दे दुश्मन हमेशा मोहरी हो लड़े हैं। पंजाबी कैप्टन चीन ते पाकिस्तान तो लगातार खतरे की चेतावनी दिंदिया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरहदां दे दुश्मन नाल लड़ाई च हमेशा मोहरी रहा। जिथे आजादी दिहाड़े के इतिहासिक पल मौके मोहाली विचले फेज 6 के शहीद मेजर हरमिंदरपाल सिंह सरकारी कॉलेज विखे कौमी झंडा तराया लहराने उपरंत मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन च कहा कि सरहदा से बद रहे तनाव करके भारत किसी भी खतरे ना निजिठने लिए हमेशा तैयार रहा है।
लखां भारतीयां वल्लों आजादी अंदोलन च पाए गए योगदान नूं याद करदे मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी हर जंग च मोहरी हो के लड़ रहे हैं। तो उस दे नाल ही करोना वायरस देश विच 24 घंटिया दौरान 58,000 के करीब नवे मामले, 941 मौत, 26 लाख तो वध पीड़ित। नवी दिल्ली तो खबर आ रही है देश में करोना का कहर वाधा जा रहा है, जिस कारण देश में करोना मरीजों की गिनती 26 लाख पार कर गई है। तो देश में पिछले 24 घंटे करोना के 57,982 नवे मामले सामने आए हैं, जबकि 941 लोगों की मौत हो जाने की खबर भी सामने आई है। सेहत मंत्रालय वालों दिए गए ताज़ा अपडेट अनुसार देश में करोना मरीजों की कुल गिनती 26,47,664 हो गई है। इन्होंने 6,76,900 सरगर्म केस हैं। तो हूँ तक करोना तो 50,921 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो उस दिन नाल ही तालाबंदी कारण भारत च 1 करोड़ तो वध लोग होए बेरोजगार। जाणो पूरी खबर, पूरी दुनिया करोना वायरस की महामारी नाल लड़ रही है, तो लखां लोगों की मौत हो चुकी है। तो उस समय आलमी आर्थिकता का तालाबंदी करके काफ़ी नुकसान होया है। इस करोना पीरियड में तालाबंदी कारण दुनिया भर के लखां लोगों ने अपनी नौकरियां गवा दित्तियां हैं, तो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो मोगा सिविल अस्पताल च पैदा होया विवाद होर भखन लगा। मोगा के सिविल अस्पताल में प्रवासी भारतीयों वालों विदेश जाने तो एन पहला जरूरी करोना टैसट करवाने के मामले में लैके हलका विधायक डॉक्टर हरजोत कमल डॉक्टर दरमियान पैदा होया विवाद दिनों दिन भखता जा रहा है। विधायकों का कहना है कि वह हलका का नुमाइंदा होने के नाते डॉक्टर सिर्फ यह अपील कर रहे सन कि प्रवासियों की मुश्किलें दूर की जा। उस ही डॉक्टर दोष है कि विधायक वालों डॉक्टर खिलाफ़ मंदी शब्दावली वरती गई है, तो डॉक्टर बीबी की बदली करवा दी। पर विवादक कहते हैं कि असलियत यह कि महकमे ने अपने तौर पर डॉक्टर बीबी की बदली की है। तो उस ही फिरोजपुर च करोना के 66 नवे मामले आए सामने, जिला फिरोजपुर च करोना महामारी का कहर लगातार वाधा जा रहा है। तो पीड़ितों की गिनती रोजाना वध रही है। तो प्राप्त जानकारी अनुसार जिला फिरोजपुर के वक् वक् खेत्रां नाल संबंधित 66 नवे पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, तो जिन्हां वासियों च दहशत का माहौल बनया होया है। आने वाले 4 लई तैयारियां शुरू, चंडीगढ़ तो चनिंदा रूटा से शुरू हो सकती हैं लोंग रूट सर्विस बसा। करोना वायरस का अचानक 3 लॉक च जिम और योग सेंटर खोलने की मंजूरी मिलने तो बाद हुण अनलॉक 4 दी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 लॉक 4 पहली सितंबर तो शुरू हो जाएगा, जिस लोंग रूट बसा सर्विस की शुरुआत हो सकती है। तो उसको लेके चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो यह अपनी अज दी वड्डियां खबरां, कृपा करके वीडियो वो तो वह अपनी यारा बेलियां मित्रां शेयर करना ता जो उन्होंने भी इस वड्डियां खबरों बारे पता चलता रहे। तो नाल ही वीडियो वो तो वह लाइक करना, तो वाडा एक एक लाइक ही साडे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो नाल ही इन्हां खबरों संबंधी अपने कीमती विचारों कमेंट जरूर दसना, तो सानू भी तुहाडे विचारों बारे पता चलता रहे। तो धन्यवाद जी।